नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भट्टोकला इलाके में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ व राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। अध्यापकों द्वारा जमकर की गई नारेबाजी। अध्यापकों का कहना है कि स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर के 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर के उन्हें रोजाना खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पत्र उठाने होते हैं। वही अध्यापकों का कहना है कि हमें परेशानी का सामना करना भी पड़ता है, शिक्षा विभाग की ओर से अलग से नहीं दिया जाता कोई फंड इसके लिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के सभी प्रश्न पत्र एक साथ किए गए हैं वितरित, तो कक्षा 3 से 8 तक रोजाना क्यों कटवाए जा रहे हैं चक्कर। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमारे भट्टू ब्लॉक में 9 से 12 के प्रश्न पत्र है वो दिए जा चुके हैं, जबकि 3 से 8 के प्रश्न पत्र है वो रोजाना अध्यापकों को यहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर आकर के ले जाना पड़ता है बीओ ऑफिस से, जो कि अध्यापकों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। इस तरह की अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो सरकार स्कूल में रोजाना पेपर पहुंचाने की व्यवस्था करे। अध्यापकों को न तो कोई TDA दिया जाता है, बिना मतलब की परेशानी अध्यापकों के गले मर दी जाती है, और अध्यापकों में भी फ्रैक्शनबाजी करने की सरकार कोशिश कर रही है। 9 से 12 के पेपर आउट नहीं हो सकते, लेकिन 3 से 8 के पेपर आउट होने के ज़्यादा खतरा है, क्योंकि 1 से 8 तक तो बच्चों को फेल पास भी नहीं करना है, फिर भी ये सरकार पता नहीं किस चीज़ की व्यवस्था दिखाना चाहती है। पिछले दिनों जो कलर्क के एग्जाम हुए थे उसमें भी ये सरकार 8 बच्चों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस हिसाब से पता नहीं ये सरकार किस प्रकार का मैसेज देना चाहती है। इसके लिए अध्यापक संघ इसका विरोध करता है।